जाएंगे अभी इधर से। अरे सब टूटेंगे भाई, अरे सब मरेंगे भाई। कैमरा इंटरव्यू होने में उनका टाइम मिलेगा नहीं लग रहा है। नारायण सिंह the opening remarks on investments in Uttar Pradesh. Thank you, sir. आप सभी का आज इस बैठक में स्वागत है। उत्तर प्रदेश ने एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने के लिए अपने लिए एक लक्ष्य के पोटेंशियल को शोकेस किया है और आज हम मुंबई में उपस्थित हैं आप सभी के बीच में, जिसमें हम स्टेट रोड शोज की बिगनिंग यहाँ पे कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आज इसको खुद काम हुआ है वो आपसे छुपा नहीं है। यूपी की फिल्म पॉलिसी हैज़ बीन पिक्ड अप वेरी वेल और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फिल्म्स की शूटिंग और ओटीटी की शूटिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए जितने सीरियल्स बन रहे हैं उसकी शूटिंग में तेज़ी आई है और जो शूटिंग लोकेशंस निकल करके आई हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन से जितना सहयोग मिला है उसी का ये रिजल्ट है। उत्तर प्रदेश जो थी और उसके क्रम में हम लोगों ने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया इंडस्ट्री से भी। मैं यही कहूँगा कि मैं, मेरा परिवार यूपी से है, मेरे फादर यूपी से हैं, मेरी मम्मी उत्तरांचल से है और पैदा हुई थी महाराष्ट्र में, तो मेरे तो तीनों से संबंध है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप यूपी और महाराष्ट्र को इस तरीके से मिला रहे हैं और हमारी ओर से यहाँ मेरे काफ़ी कुछ बड़े बैठे हैं, कुछ छोटे हैं, हमारी ओर से जो बेस्ट हो पाएगा आपकी नीयत और आपके प्यार को और आपकी, जैसे बोनी जी ने कहा सबसे अच्छी बात है कि आपने यूपी को क्राइम मुक्त किया है, सबसे बड़ी बात यह है और इतने प्रेम भाव से आप यहाँ पर आके सबको मिल रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर यूपी में ये जादू और मैजिक करके दिखाएंगे हम लोग। थैंक यू कैलाश जी। हरिओम महाराज जी और मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ महामूर्तियाँ बैठी हुई हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हो रही है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि फिल्म सिटी तो ठीक है, एक इल्म सिटी की भी ज़रूरत है भारत को और कुछ चुने हुए लोग महाराज जी जैसे, आप जैसे लोगों को परमात्मा ने चुना है तो उस तरफ भी ध्यान दें। उत्तर प्रदेश जाना जाता है अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। भारत के भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव की पहली नगरी ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ने 7 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं। भारत बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं।
एक वहाँ अध्यात्म का गढ़ भी बना दीजिए, फिल्म सिटी के अंदर ही एक इल्म सिटी हो और मेडिटेशन सेंटर हो। ये दुनिया दिमाग वाले चला रहे हैं महाराज जी, लेकिन जैसी चल रही है ये तो सबको पता है कैसी चल रही है, तो थोड़ा सा हृदय का भी ख्याल रखिए। बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी बोलकर बेचारे सब वचन दे रहे हैं, अच्छा बिजनेस का काम हो रहा है, पर गुरु जी थोड़ा सा ध्यान हृदय पर भी देना पड़ेगा, और ये संत लोग आप जैसे लोग कर सकते हैं, थोड़ा उस पर भी देंगे हम ध्यान। बस यूपी में आइए, हम यूपी के हैं, ऐसा स्वागत करेंगे साहेब, अपना तन मन धन तीनों से आप सबका स्वागत करेंगे। ऐ मेरे पूरे विश्व वालों और क्रिएटिव मस्तिष्क वालों, बस थोड़ा सा ये है कि हेल्थ पे ध्यान देना है अपनी अपनी, और खुश रहना, खुश रहना भूल रहे हैं महाराज जी लोग, तो जरा फिल्म सिटी के साथ एक इल्म सिटी भी वहाँ चुप्पा चाप गाड़ देंगे। आओ 15 दिन का फरवरी में मेडिटेशन करो, बहुत अच्छे वहाँ कलरव हो पक्षियों का, और झील हो, कोई नदी के किनारे कुछ और हो रहा हो, अच्छा सा मेडिटेशन हो रहा हो, म्यूजिक हो रहा हो, ऐसा भी एक जरा काम हो। हरिओम। थैंक यू द्विवेदी जी, से अब शुरू करेंगे इधर से सीनियर लोग। चल प्रकाश जी। जय कृष्ण राव, सादर प्रणाम, वेलकम टू मुंबई। कभी भी घर का खाना चाहिए तो हुक्म करना, मिल जाएगा। बस बाकी कुछ नहीं, बड़े लोग आए, सब बात अच्छे कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। फिल्म बंधु सबको प्रणाम। सुभाष जी, आपके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने मुझे लाया, थैंक यू। और बाकी जितने भी सीनियर हैं यहाँ पे, सबको बहुत बहुत प्यार। थिएटर का पॉपकॉर्न का कीमत जरा कम करो सर, 800 रुपया लेते पॉपकॉर्न का, ये क्या बात हुई। तो उत्तर प्रदेश में जब सिनेमा हॉल बनाएंगे ऐसा उनको दंड रखना कि इतना नहीं खा सकते भाई, आप खाओ अगर पेट ना फट जाए, खाओ और खिलाओ, मगर इतना कैसे खा रहे सब में, आप क्या नहीं सब थिएटरों में, मुझे लगता है बराबर ना 800 रुपया। हाँ तो सर बस उसी पे ध्यान दें तो लाख अंदर आना शुरू कर दे थिएटर में, पिक्चर बनाएंगे स्टूडियो बनाएंगे मगर अंदर कौन आएगा, वही आएगा ना जिसके बेचारा खाया जाए तो ऐसा ना नंगा हो जाए। बाकी आपके परिवार को बहुत बहुत प्यार, आप आए आते रहे, खुशी होती है आपको देखने से, घर वाले पसंद करते हैं आपको, बाकी हमारे सारे मित्र यहाँ आए सब आपको चाहते हैं, खुश रहें, कभी कुछ जरूरत पड़े खाना वाला तो बता दें सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आप सर जरूर स्टैंड करेगा। सुनील शेट्टी सर। प्रणाम महाराज जी, मैं सुनील शेट्टी। आई थिंक जैकी जी ने बहुत कुछ कहा हम सब की तरफ से, लेकिन बहुत ही सीनियर्स आए हुए हैं और सभी ने बहुत ही अच्छा बोला। वाकई ये प्लान बहुत ही खूबसूरत, पॉलिसी जैसे राहुल ने कहा कि डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज यू नो दैट एनी स्टेट इज पुट फॉरवर्ड। बस यही है, बार बार यही कहना है कि वन विंडो क्लियरेंस रहना चाहिए, प्रोटेक्शन, जीरो क्राइम रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर शूटिंग होती भी है और कंफर्टेबल शूटिंग होती है। थर्ड ऑफ कोर्स एजुकेशन पे ध्यान। सिर्फ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें एक्टर्स क्रिएट करना है, लेकिन टेक्निकल टीम्स भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम यहाँ से आए तो बहुत ही एक छोटी यूनिट लेकर आए और वहाँ के लोकल्स को हम वो एनकरेजमेंट दे, तब जाके ये कंप्लीट पॉलिसी भी हिट होगी, क्योंकि जब लोकल्स को काम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन जैसा होता ही है। ऑफ कोर्स थिएटर्स, क्योंकि इवेंचुअली आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है, तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है, लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफ़ी अच्छी फिल्म में मैं रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है, ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है, आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यू
यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा. हमारी ऑडियंस अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से. फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी के इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी. तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है. ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अग्री अबाउट दैट. यू नो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं. हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं. भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी म्यूजिक, हमारी कहानी. तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रणाम प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहें तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर. बस मेरा सिर्फ यही कहना है. थैंक यू. थैंक यू सुधीर जी. नेक्स्ट. प्रणाम महाराज जी. यहाँ सुनील शेट्टी साहब ने बात की, सबने बात की सुरक्षा की, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने भी बात की, डॉक्टर साहब ने. तो आपको देख के एक भगवद गीता का श्लोक याद आता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. कि सज्जनों के कल्याण के लिए और धर्म यानी हमारा कर्म है वो हमारा धर्म है, और उस धर्म के संस्थापन के लिए आपने जो यह महत् कार्य किया है, फिल्म सिटी 1000 एकड़ से भी ज़्यादा एकड़ में बनाने का संकल्प जो है वो बड़ा अद्भुत है. और पहली मीटिंग में भी मैं था, और जो सब्सिडी है वो भी बहुत बढ़िया है. और फिल्म जगत के लिए, सिर्फ न केवल हिंदी फिल्म के लिए या किसी भी भाषा की फिल्म वहाँ अगर शूटिंग करने आए तो उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है. और दूसरी एक बात, सुरक्षा की दृष्टि से मैंने बहुत सारी फिल्में भी वहाँ शूट की, चाहे वो गंगा का घाट हो, लखनऊ हो या कहीं पर भी. कोई भाई या कोई पुलिस वाला किसी भी प्रोडक्शन के पास पैसे मांगने नहीं आया, और ये सत्य है. और इसलिए ये एक बहुत अच्छी बात है. लेकिन फिल्म सिटी बन रही है तो केवल दो बातें मैं कहना चाहूँगा. एक तो स्किल डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर काम करने वाला जो छोटा इलेक्ट्रिशियन है या लाइटमैन है या फोकस पुलर है या ट्रॉली चलाने वाला है, उसका भी प्रशिक्षण होना बहुत आवश्यक है. क्योंकि लगभग 60-70% लोग वो उत्तर प्रदेश से हैं, मेरे साथ लोग सहमत होंगे, उसमें काम करने वाले, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करने वाले. तो न केवल कलाकारों को, लेकिन ये शिक्षण भी स्किल डेवलपमेंट के तहत बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है. और उसे अगर प्रशिक्षित किया जाए तो वो जो फिल्म सिटी बनेगी वहाँ उसको तो काम मिलेगा ही, वो तो कहीं पर भी जाके बहुत आसानी से, क्योंकि ये लोग अनुभव के आधार पर काम करते हैं, यहाँ आते हैं किसी के साथ बुलाने पर. बट अगर वो प्रशिक्षित होता है, छोटा से छोटा ट्रॉली पुलर भी अगर प्रशिक्षित होता है तो अच्छा काम होगा. क्योंकि उसकी ट्रॉली पुलर की गलती की वजह से भी एक शॉट एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, कलाकार की गलती की वजह से तो लेना ही पड़ता है. तो वो अगर प्रशिक्षित हो, उस टाइप के जितने भी जो कामगार हैं वो सारे प्रशिक्षित हो, वो स्किल डेवलपमेंट के साथ हो सकते हैं, कलाकार भी हो सकते हैं. तो ये एक है. और दूसरे जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जैसे कि सेट डिजाइनर हो, तो उनके लिए कंसेशन रेट में वहाँ जमीन उपलब्ध हो, या मुझे नहीं मालूम उनका मॉनिटोरियम कुछ अलग करके उनको, अगर क्योंकि वो बेसिक हैं, वो लोग बहुत बेसिक लोग हैं, और उनको कंसेशन रेट में वहाँ, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार है ये जो भी बनेगा उसका, तो वो अगर प्राप्त हो तो कोई भी आके वहाँ, अगर स्टूडियो वहाँ बने भी तो भी इनकी बहुत आवश्यकता है, और वो समान रूप से वहाँ काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. ये मेरा सुझाव है. धन्यवाद. थैंक यू. समय अब बहुत कम है, मैं चाहूँगा कि कुछ और जो प्रमुख लोग हैं एक एक करके बहुत शॉर्ट में. जी नमस्कार महाराज जी.
सारे सीनियर्स ने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा ननिहाल एक्चुअली यूपी है, तो मैंने यूपी में बहुत ज़्यादा समय गुजारा है। मैं एक्टर हूँ और प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पिताजी और मैं फिल्म बनाते हैं, और बहुत अच्छा लगा यूपी का जो वीडियो देखा उसका शुरुआत मेरे वीडियो से हुई थी, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। एक कहीं ना कहीं कनेक्शन आ गया, सुगमा सर के मरवर गाना किया था मैंने, और मुझे पता है महाराज जी उधर क्या काम हो रहा है, बिकॉज मेरी मासी चाची बुआ सब वहीं रहते हैं कानपुर लखनऊ में। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं तो आज ऐसा फ़ैन आया हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे आने का मौका मिला मेरे सीनियर्स के साथ। और हम इंफ्रा में भी बहुत काम करते हैं, तो आई विल वॉन्ट टू से कि जो भी सपोर्ट मैं और मेरी फैमिली और कंपनी कर सकती है हम ज़रूर करेंगे। राजपाल जी प्रणाम करता हूँ महाराज जी आपको। जग्गीदा ने मुझे खड़े होने की हिम्मत दी, क्योंकि खड़े होने से मुझे अपनी हाइट का एहसास रहता है, सब बैठे मैं खड़ा हूँ। महाराज जी आप अध्यात्म और कर्म और धर्म की जागृत चेतना है, बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है, हमारी माँ है, और महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, हमारी सिनेमा है। तो माँ और सिनेमा के बीच में एक ऐसी आपने पहल की है कि देखिए मेरे हिसाब से पहली और आखिरी फिल्म सिटी है जिसका नाम है गोरेगांव फिल्म सिटी, ठीक है। इसकी हजारों सब सिटी है, बॉलीवुड जो है मलयालम से, जैसा सुनील रंजन ने बताया बड़ा अच्छा, एक तेज करण साहब ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि यूपी हो मध्य प्रदेश हो, जो लगभग लगभग सिटी है कॉरपोरेट सिटी है, नोएडा एक कॉरपोरेट सिटी है, जहाँ पे प्रशिक्षण की बात बहुत अच्छी आई कि हम लोग अगर लैफ्ट, हम किसान के बेटे हैं, हम गोदाम में धान गेहूं गन्ना भरते हैं, लेकिन उसको उगाने खेती में जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा हमारा कॉरपोरेट सिटी है, वहाँ प्रशिक्षण सिटी, कॉरपोरेट सिटी, लैब सेंटर, प्रशिक्षण सेंटर सब कुछ बने, और उसको फिरकी बना के उसका माझा हाईवे के रूप में 3.5 घंटे दूर एक आपका ऐसा कोना है जो जल जंगल जमीन पर्यावरण पर्यटन से बोध प्रोत है, जिसको रोयल खंड बोलते हैं, अगर उसको धान गेहूँ गन्ना की तरह एक क्रिएटिव सृजन के रूप में अगर सब लोगों को बोला जाए कि नोएडा आइए आप वन विंडो, जैसा कि सुनील अन्ना ने बोला, तेज करण साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सारे सिटी एक जैसे लगते हैं, एक बार आप शूटिंग करेंगे तो दोबारा उस बिल्डिंग में शूटिंग नहीं हो सकती, लेकिन प्रशिक्षण खूब हो सकता है, लैब खूब हो सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज अब पूरी दुनिया छोटा सा गांव हो चुकी है, डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है, और इसमें अगर नोएडा से हम मात्र 3-3.5 घंटे जहां पे 100 किलोमीटर का जंगल है, चंपावत से लेके पीलीभीत से लेके, जहां पे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसा कि छोटे छोटे लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी, गोरखपुर हमारे पास में आपकी जन्म आपकी जो ऐसी सिटी है जिसको आपने देखा है, गोरखपुर एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट है, बरेली एयरपोर्ट आपने बनवा दिया उसके लिए बहुत बहुत बधाई, पंतनगर एयरपोर्ट है, और ये सारे एयरपोर्ट मिलके ये उत्तरार्ध कोना वैसे भी कुबेर का कोना बोला जाता है, अगर ये वहाँ 100 किलोमीटर का जंगल है, पड़ोस में नेपाल है, पड़ोस में चंपावत है, जहाँ पे पशु पक्षी से लेके दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो आप बोलते हैं जहाँ प्रकृति होती है वहीं हवा रहती है, और हवा में ही कला होती है। तो मैं आपसे ज़रूर एक विनती करना चाहूँगा कि अगर सब लोगों के लिए हम लोग नोएडा के लिए हम फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर, अगर आपको ये विनती पूर्वक सुझाव अच्छा लगे तो आपके चरणों में ज़रूर रखना चाहूँगा, लेकिन खेती क्रिएटिव खेतीबाड़ी, सृजनशील खेतीबाड़ी के लिए हम सबको ये सुविधाएँ दे सकते हैं कि अगर आपको सेट लगाने हैं, अगर आपको प्रकृति के करीब जाना है, तो हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास जंगल भी है, हमारे पास जमीन भी है, और वो ऐसा कोना है जो अभी तक अछूता है। आई थिंक वहाँ पे अगर फिल्म सिटी शूटिंग क्षेत्र का गेट भी लग जाएगा तो पर्यावरण के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से हजारों लोगों को घूमने का मौका मिलेगा, और जहाँ मधुमक्खियाँ जाती हैं बिलीव करिए एक एक मधुमक्खी की तरह रोजगार के साधन, चाहे ठेले वाले से लेके हो चाहे दूध वाले से, हजारों लोगों के रोजी रोटी के साधन खुल जाएंगे। तो अगर रोहिलखंड को जेवर से नोएडा से जोड़ दिया जाए कि ये हमारा कॉरपोरेट सेंटर है, फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर, और शूटिंग सेंटर हमारा रोहिलखंड है, तो वो पतंग रोहिलखंड में उड़े, उसका माझा आपके हाथ में हो और नोएडा में हो, तो आई थिंक बहुत ही शोभा बढ़ जाएगी, और
7 फिल्म इंडस्ट्री उससे जुड़ जाएगी, क्योंकि और जो हमारी बॉलीवुड से कनेक्ट हो जाएगी। 7 फिल्म इंडस्ट्री मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री, बुंदेलखंडी फिल्म इंडस्ट्री, उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री, हिमाचली फिल्म इंडस्ट्री, राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, ये सब मिलके बॉलीवुड का हिस्सा होके हमारी फिल्म सिटी मुंबई से जुड़ जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राजकुमार संतोषी जी, आपके बारे में जो कुछ मैंने समझा है, सुना है, जाना है कि आप सिर्फ बात नहीं करते। आप सभी का जिन्होंने कला के क्षेत्र में न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि समाज को एक नई दिशा देने में भी अपना योगदान दिया है, ऐसे सभी एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का उत्तर प्रदेश फिल्म बंगों की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। मेरी इच्छा थी सभी महानुभावों के विचारों को मैं सुनूं। आप में से बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है और आपके प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश में मुंबई से हमने 2 कलाकार को सांसद बनाकर के भेजा है। तो ये लोग आपकी पीड़ा को और यहाँ से जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में भी समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि आप सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कला या ईश्वरीय एक वरदान है, हर एक के पास नहीं हो सकता है। अलग बात है दृष्टिकोण लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक भाव से देखेंगे तो फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है नेशनल इंटीग्रिटी में भी और समाज को जोड़ने में। तो हिंदी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना बड़ा योगदान दिया है पूरे देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और हमें उस अच्छाई को देखना होगा जो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञानवर्धन के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के दृष्टि बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और ये हमारी फिल्मों ने हमेशा किया है, हमें उसको उसी दृष्टिकोण से देखना होगा। बाकी हर जगह भगवान राम पे भी आरोप लगाने वाले थे और हर एक स्तर पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं उनसे, बहुत उसकी परवाह के बगैर हमें सकारात्मक दृष्टि से ही आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों ने जाना है, उत्तर प्रदेश में आपकी रुचि बढ़ी, मुझे इस पर प्रसन्नता हुई और मुझे देख करके और भी आनंद की अनुभूति हुई कि उत्तर प्रदेश आप सबके केंद्र बिंदु में है। उत्तर प्रदेश को आप सबके ही प्रयास से 64वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में और 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी 2020 में भी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्पेशल मेंशन अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। मोस्ट फिल्म शूटिंग फ्रेंडली स्टेट अवार्ड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में भी 2021 में भी उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड प्राप्त हुआ।
और 2022 में भी मुंबई में भी अवार्ड उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु की ओर से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी भी की है और उत्तर प्रदेश के अंदर केवल बड़े महानगरों को ही जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हम लोग इस समय 2017 तक हमारे दो एयरपोर्ट क्रियाशील थे, एक लखनऊ एक वाराणसी। आज हमारे 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, एयर कनेक्टिविटी हमने बहुत अच्छी दी है। 10 एयरपोर्ट पे हम कार्य कर रहे हैं, बहुत शीघ्र इन्हें हम क्रियाशील करने जा रहे हैं। चित्रकूट में भी आपको एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी, सोनभद्र में भी आपको एयर कनेक्टिविटी की सुविधा हम देंगे। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान राम ने भी अपने वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय चित्रकूट में व्यतीत किया था। उस चित्रकूट में एयरपोर्ट भी है और चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ भी हम लोगों ने दिल्ली के साथ उसे जोड़ा है। आज दिल्ली से अगर आप चलेंगे तो दिल्ली से 4 घंटे में आप चित्रकूट पहुंच जाएंगे। इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आज के दिन पर हमने उपलब्ध करवाई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ कभी आजमगढ़ के नाम से लोग डरते थे और मुंबई में तो रूम नहीं मिलता था आजमगढ़ के वास्ते। आज हम लोगों ने आजमगढ़ में मुंबई से एक कलाकार को वहां सांसद भी बना दिया है। आप देख सकते हैं कि वहां पर कोई भय नहीं है, स्वागत, यानी ये चीजें दिखती हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से होकर के जा रहा है, आजमगढ़ में आप लोग सुरक्षित हैं और आजमगढ़ से आने वाला व्यक्ति भी कहीं जाता है तो उसको संदेह की निगाहों से नहीं देखा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो तराई का क्षेत्र है उसमें हमारे तमाम नेशनल पार्क है, सैकड़ों वर्षों की विरासत उसके साथ जुड़ी हुई है। बुंदेलखंड में किले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए, फिल्म शूटिंग के लिए सभी कनेक्टिविटी की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी, यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश ने